गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं सीए इंटर टैक्सेशन जीएसटी चैप्टर नंबर 10 टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में हमने सेक्शन 31, 32, 33, 34 पढ़ लिया। सेक्शन 31 में इनवॉइसेस के बारे में था, तो 31(3) इंपॉर्टेंट था जिसमें ए से लेके जी तक के पॉइंट थे। रिवाइज इनवॉइस, नो इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर, इनवॉइस अंडर आरसीए। सही, या मैंने उल्टा बोल दिया? पहले इनवॉइस अंडर आरसीए में, फिर है पेमेंट वाउचर। वेरी गुड। इसमें जब हम इनवॉइस के बारे में पढ़ रहे थे तो ई इनवॉइस का टॉपिक आया। ई इनवॉइस के टॉपिक में हमने यूँ पढ़ा कि जिसका भी टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, जब से जीएसटी लॉन्च हुआ है 17-18 से लेके के आज तक, 5 करोड़ को क्रॉस कर जाता है तो 1 अगस्त से उसको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, और अगर 10 करोड़ को क्रॉस कर जाता है तो 1 अप्रैल से ही उसको ई इनवॉइस इशू करना है। अब ई इनवॉइस कैसे इशू होता है कि आप पहले अपना नॉर्मल इनवॉइस बनाएंगे, उस नॉर्मल इनवॉइस की डिटेल्स आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP पे अपलोड करेंगे। IRP पे अपलोड करने के बाद IRP आपको एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करके देगा जिसमें 64 कैरेक्टर का इनवॉइस रेफरेंस नंबर देगा। उस इनवॉइस रेफरेंस नंबर में आपका GST नंबर, उसका GST नंबर, डेट ऑफ इशू, टाइम ऑफ इशू, टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू, आपका इनवॉइस नंबर, ये सारी चीज़ें एम्बॉडीड होगी। 64 कैरेक्टरिस्टिक का वो इनवॉइस रेफरेंस नंबर होगा। 64 कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए QR कोड जनरेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये ई इनवॉइस अलग अलग मोड होते हैं जनरेट करने के लिए, तो मैनुअल होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, API के थ्रू होता है, GST सुविधा प्रोवाइडर के थ्रू भी होता है। अब इलेक्ट्रॉनिकली कैसे करें, तो उन्होंने एक GST स्कीमा बना दिया, स्कीमा ई इनवॉइस स्कीमा बना दिया। ई इनवॉइस स्कीमा इज़ अ मशीन रीडेबल फॉर्मेट जो किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ एम्बॉडीड इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब वो जो सॉफ्टवेयर है वो इस स्कीमा वाले फॉर्मेट में ही अपनी रिपोर्ट इशू करे, ताकि ये रिपोर्ट डायरेक्टली GST पोर्टल पे अपलोड हो जाए और वहाँ से ई इनवॉइस इशू करने में सहूलियत हो। ठीक है, तो वो जो स्कीमा, वो जो फॉर्मेट उन्होंने फिक्स किया, उसका टेक्निकल नेम दिया GST ILV1। आप जो भी फाइल बनाते हो, तो अब आप इतने तो बड़े हो ही चुके हो, बचपन से आप मोबाइल और कंप्यूटर में खेले हो, तो आपको पता होगा कि PDF का फॉर्मेट क्या होता है .PDF, वर्ड फाइल का क्या होता है .DOC, एक्सेल का क्या होता है XLSX, ठीक है, MP3, MP4, ऐसे करके फॉर्मेट्स होते हैं। तो आपका जो ये स्कीमा है, इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा JSON फॉर्मेट, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं जेसन फाइल। क्या बोलते हैं? ये एक जेसन फाइल है जो आप क्या करो, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में है, आपका सॉफ्टवेयर इसको रीड कर देगा। अब जो वो आउटपुट जनरेट करेगा वो भी किस फॉर्मेट में होगा? जेसन फॉर्मेट में। इसको हमारी कंसल्टेंट की भाषा में जेसन फाइल कहा जाता है। ये जेसन फाइल को आप IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, और इस जेसन फाइल को, मशीन रीडेबल फॉर्मेट को IRP रीड करके आपको ई इनवॉइस जनरेट कर देगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, मुझे किसी असेसी की PNL बैलेंस शीट बनानी है। अब PNL बैलेंस शीट किसके बेस पे बनेगी? इनकम टैक्स रिटर्न के बेस पे बनेगी। इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होता है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे। जनरली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट कंपेल नहीं कर सकती कि आपको ये थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर लेना ही पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ने तो एक पूरा फॉर्म टाइप बना रखा है। आप उसको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके फिल करो, आप चाहो तो फॉर्म का फॉर्मेट एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड कर लो, उसको फिल करो, उसको अपलोड करो, पर वो टेक्निकली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमें इनकम टैक्स पढ़ना इतना डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो उसको रूल को अप्लाई करना, रियल इनकम टैक्स कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बना दिए गए। अब मान लो कि एक कंसल्टेंट है अपूर्व और हमारा असेसी है रोहित। रोहित ने अपूर्व के पास क्या बनवा दिया? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा दिया। अब अपूर्व उस सॉफ्टवेयर के थ्रू इसका रिटर्न फाइल कर देगा। रिटर्न फाइल करने के बाद 2 स्टेटमेंट जनरेट होते हैं। एक तो आपका रिटर्न फाइल हो गया, इसका एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट जनरेट होता है। कहाँ से? सरकार की वेबसाइट से, जिसमें आपने कौन सी डेट पे रिटर्न फाइल किया था, कौन सा रिटर्न फाइल किया था, उसमें आपकी टोटल इनकम क्या थी,
उसमें डिडक्शंस क्या थे, टैक्सेबल इनकम क्या थी, टैक्स कितना बना, इंटरेस्ट कितना बना, आपने पेमेंट कितना किया, ये सारी बड़ी बड़ी मोटी मोटी डिटेल्स होती है। उसमें हेडवाइज डिटेल नहीं होती। इनकम टैक्स आप पढ़ चुके हो तो मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। उस एक्नॉलेजमेंट फॉर्म में हेडवाइज डिटेल नहीं होती कि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी है, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन और कौन सा सैलरी, इन हेड से इनकम कितनी कितनी है, ये गिवन नहीं होता। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटेशन जनरेट करता है। उस डॉक्यूमेंट का नाम ही क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में क्या है, सारी डिटेल्स गिवन होगी कि इसका रेंट कितना है, कितने महीने का रेंट है, किससे मिला है, उस पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी हुई, इसने कौन सी प्रॉपर्टी किस असेसी को बेची, कितने में बेची, कॉस्ट वॉस माइनस करने के बाद कैपिटल गेन कितना हुआ, इसकी सैलरी कितनी है, उसमें डीए कितना है, एचआरए कितना है, सारी डिटेल्स। मतलब वो जो अपन सॉल्यूशन बनाते हैं ना अपना इनकम टैक्स का, वैसे सॉल्यूशन टाइप फॉर्मेट में आपकी इनकम की सारी डिटेल्स होगी। अब ये जो इनकम की सारी डिटेल्स है, ये मुझे, अब मैंने, रोहित मेरे पास आया, सर मैंने उनसे रिटर्न तो फाइल करवा दिया पर उनके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरी पीएनएल बैलेंस शीट बना देंगे क्या? मैंने कहा ठीक है बना दूंगा, लाओ इनकम टैक्स रिटर्न लाओ आपका। तो ये उन्होंने मेरे को दो डॉक्यूमेंट दिए, एक तो दिया है एक्नॉलेजमेंट आईटीआर और एक दिया है कंप्यूटेशन। मैंने कहा यार ये तो सब उसमें है, हार्ड कॉपी है। तो कोई बात नहीं सर, उन्होंने मेरे को मेल भी किया है, मैं सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा आपको। मैंने कहा यार आप सॉफ्ट कॉपी भी दे दोगे तो मुझे एक एक चीज़ कॉपी पेस्ट करके अप्रूव्ड या फिर अप्रोप्रिएट कॉलम में कॉपी पेस्ट तो करनी पड़ेगी ना, अलग 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 जाके, तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे। आप एक काम करो, अप्रूव से बोलो कि इसकी जेसन फाइल दे दो मेरे को। अब ये असे जी जेसन फाइल ये क्या होता है? मैंने कहा आप टेंशन मत लो, आप तो बस ये वर्ड याद रखो जेसन, JSON जेसन फॉर्मेट में फाइल दे दे, अपूर्व समझ जाएगा। अगर अच्छा कंसल्टेंट है, काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, तो समझ जाएगा क्या मांग रहा हूँ मैं, और वो आपको मेल करेगा, वो आप मुझे मेल कर देगा। उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा कि मैं ये फाइल डायरेक्टली मेरे सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दूंगा ना, तो ये जो सारा डेटा आप पेपर फॉर्म में लाए हो ना, वो अपने आप ही मेरे सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो आप इसके पास गए, यार वो तो कुछ जेसन वेसन मांग रहे हैं। यहाँ ठीक है, कोई टेंशन नहीं, मैं जेसन फाइल दे देता हूँ। तो अब ये जेसन फाइल क्या है? मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट, जिसको आप रीड नहीं कर पाओगे। उसको आप ओपन करोगे तो अजीब सा कुछ चाइनीज में कुछ लिखा हुआ होगा ऐसा दिखेगा, लेकिन वहाँ पे सॉफ्टवेयर में जाके इसको अपलोड करोगे और फिर सॉफ्टवेयर में इसको ओपन करोगे तो सारी फील्ड, सारा डेटा उसके अप्रोप्रिएट फील्ड्स में अपने आप आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जेसन फाइल क्या होती है, ई स्कीमा क्या होता है, इनकम टैक्स कैसे जनरेट होता है। अब इस चीज़ को बड़े अच्छे से, मैंने आपको पहले भी बोला है, सारी किताबों में सबसे बढ़िया बुक जो इन्होंने लिखी है वो GST की है। आपको हमारी ज़रूरत ही नहीं अगर आप इसको खुद को रीड कर लो तो। फीस दे दी ना आप सब लोगों ने? ठीक, अरे तो बाद में, थोड़ी देर बाद, पहले पढ़ा लूँगा। इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, क्योंकि सबको ही इन्वॉइस इशू करना है, बहुत सारे लोग एक साथ पोर्टल यूज़ करेंगे तो उसकी 10 अलग अलग वेबसाइट बना दें। इन्वॉइस 1, 2, 3 करके 10, आपने 1 डाला नहीं खुल रहा है, 2, 3, 4, 5, 6 करके 10 तक आप जा सकते हो। इतने पोर्टल इन्होंने बना दिए, डेटाबेस एक ही है उनका, कहीं से भी बनाओ डेटा वहीं जाके इंकलकेट होगा। इन्वॉइस रेफरेंस नंबर, बात हो गई 64 कैरेक्टर का, ये रहा ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इन्होंने बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर रखा है कि ई स्कीमा का क्या रोल है, आप कैसे ई इसका स्कीमा का यूज़ करके IRN जनरेट कर सकते हो। तो ये रहा, अपलोड द जेसन ऑफ ई इनवॉइस टू IRP। पहला स्टेप तो ये है, प्रिपेयर ई इनवॉइस एज पर स्कीमा हैविंग मैंडेटरी फील्ड्स एंड ऑप्शनल फील्ड GST, इनवॉइस नंबर, डेटा वैल्यू एक्सेट्रा। मतलब स्टेप 1 कि आप अपना ई इनवॉइस जनरेट कर लो, कहाँ पे? एज पर स्कीमा आपके सॉफ्टवेयर में। एज पर स्कीमा आप अपना ई इनवॉइस जनरेट कर लो आपके सॉफ्टवेयर में, ये आपके सॉफ्टवेयर में जनरेट होगा। फिर वो सॉफ्टवेयर एक जेसन फाइल क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करके देगा। उस जेसन फाइल को आप अपलोड कर दो कहाँ पे? IRP में, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। जैसे ही पोर्टल पे जेसन फाइल होगी, पुश टू IRP, ये क्या करेगा, जनरेट कर देगा IRN। ठीक है, जैसे ही जनरेट हो गया IRN तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कहाँ पे? GST सिस्टम को, और फिर उस IRN को डिजिटली साइन कर देगा। कौन? GST डिपार्टमेंट। ये पोर्टल अपना साइन करके दे रहा है,
कि हाँ ये जो ई इनवॉइस बनाया है ये पोर्टल ने बनाया है, वैलिड डॉक्यूमेंट है। फिर ये साइन जेसन विद डिजिटल सिग्नेचर ऑफ आईआरपी, सिग्नेचर किसका, आईआरपी, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का साइन करके जेसन फाइल बना देगा। अब एड क्यूआर कोड टू जेसन, ये कौन कर रहा है, ये वो आईआरपी कर रहा है। आपका काम तो कहाँ खत्म हो गया, आपका काम तो यही खत्म हो गया ना, आपने इनवॉइस जनरेट कर दिया, आपके सॉफ्टवेयर ने उसका ई स्कीमा जनरेट कर दिया, ई स्कीमा जेसन फॉर्म में है, आपने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद जैसे ही वो डेटाबेस में आया, अब ये इसकी साइकिल चलाएगा, इसकी साइकिल चलाएगा तो वो उस जेसन फाइल का एक आईआरपी बनाएगा, उस इनवॉइस का एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा। उस जनरेट करने के बाद उसको डिजिटली क्या करेगा, साइन करेगा और इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचा देगा, जीएसटी पोर्टल पर पहुँचा देगा कि इसने इतने का सेल किया है। साइन करने के बाद उसमें क्यूआर कोड ऐड कर देगा। अब ये करने के बाद रिटर्न डिजिटली साइन जेएसएन टू सेलर विद द क्यूआर कोड इंक्लूडेड इन इट। अब ये भी इसने एक डॉक्यूमेंट जनरेट किया, अब ये डॉक्यूमेंट का जेएसएन आपको दे देगा। रिसीव द डिजिटल साइन जेएसएन ऑफ इनवॉइस दैट कंटेन्स द क्यूआर कोड। अब सेलर क्या करेगा, इस जेएसएन को अगर आप कंप्यूटर में डायरेक्टली ओपन करोगे तो मतलब का नहीं है, इस जेसन को आप अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन करोगे तो आपको ई इनवॉइस दिख जाएगा। ये रहा आपका ई इनवॉइस, अब प्रिंट का कमांड दो, प्रिंट आ जाएगा, शेयर का कमांड दो, जहाँ शेयर करना है वहाँ शेयर कर दो। ई इनवॉइस की एक फैसिलिटी ये है कि ई इनवॉइस जनरेट हो गया है तो प्रिंट देने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको आप व्हाट्सएप ईमेल करते जाओ, वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में भी रहेगा तो बिल्कुल क्या है, वैलिड है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यह लिखा हुआ है सेंड्स द ऑथेंटिकेटेड पेलोड टू जी एस टी सिस्टम सेंड टू ईवेबल सिस्टम। वो जो फाइल उसने आपको दी ना, वो पूरा पेलोड, अब वो फाइल नहीं देगा, वो पूरा डेटा कहाँ पहुँचा देगा, जी एस टी के कॉमन पोर्टल पर भी पहुँचा देगा और ईवेबल के पोर्टल पर भी पहुँचा देगा। तो आपको अगर ईवेबल बनाना है तो एक बटन दबाना, वहाँ जाके ईवेबल बन जाएगा। आपको रिटर्न फाइल करना है तो चेक करके ओके कर देना, रिटर्न भी आपका फाइल हो जाएगा। डन। कौन सा सिक्स वाला, ये वाला बेटा सिक्स वाला, कि ये जो इसने ई इनवॉइस जनरेट किया ना, तो आपको तो जेसन फाइल में दे देगा और उसका डेटा कहाँ पहुँचा देगा, एक तो जीएसटी सिस्टम में पहुँचा देगा और ईवेबल सिस्टम में पहुँचा देगा। आईआरपी वाला काम है, आईआरपी खुद अपना करता रहेगा, इसका भी अगला चार्ट है। ई इनवॉइस क्यों बना रहे हैं यार, ये कह रहा सवाल है, तो गलत सवाल है, परेशान करने वाला सवाल है। मैंने ई इनवॉइस पढ़ाया, उससे पहले आपको रियल टाइम सिचुएशन तेरा ही एग्जांपल लेके समझाया कि नहीं समझाया। सर जेसन वेसन वाला काम क्यों कर रहे हैं, कि बेटा एक एक बिल पे जाके वहाँ मैन्युअली फॉर्म फाइल करना बहुत मुश्किल है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसी से पूरा काम हो जाए, इसलिए जेसन वेसन वाला मैकेनिज्म समझ रहे हैं। कल को तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए तो वो आईटी वाला तेरे को कुछ भी बेवकूफ बना के ना चल जाए, इसलिए समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली भी ऐसे डेटा मूव होता है। मेरी बात सुन लो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो आधा टेक्नीशियन तो आपको यूं ही बनना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई भी काम अब मैनुअल तो होता नहीं है, एक्सेल वर्ड वगैरह तो अच्छे से आने ही आने चाहिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स भी बढ़िया से आने चाहिए। इवन ये जो इनके पोर्टल्स हैं, आईआरपी पोर्टल हो गया, जीएसटी कॉमन पोर्टल हो गया, ई वे बिल का पोर्टल हो गया, ये भी अच्छे से चलाने आना चाहिए कि नहीं है। तो तुम्हारे पास तुम्हारा वो जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उसकी भी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो हर थोड़ी थोड़ी देर में तुम टेक्नीशियन को बुलाते रहोगे, यार ये तो अटक गया, यार ये तो गोला घूम रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। जैसे अभी आप समझते ही हो कि कैसे इंटरनेट कनेक्ट किया जाता है, ईजीली कनेक्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम है, जब प्रॉब्लम आएगी तो आप उसका एरर देखोगे, वहाँ गूगल में सर्च करोगे उस एरर को कैसे ट्रबल शूट करते हो, ये सब भी सीखना पड़ता है। अभी जैसे ही आप इंटर पास हो जाओगे, सबसे पहले एक महीने की आईटी की ट्रेनिंग कराई जाएगी आपकी। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन गए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तो याद हो गए, लेकिन वो सिस्टम तो चलाना आ ही नहीं रहा, तो पूरे एक महीने की आईटी की ट्रेनिंग करेंगे आपकी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, अब ये जो आईआरपी है ये जीएसटी सिस्टम के साथ कैसे वर्क करता है। यहाँ तक तो हो गया था पहला, अब फोर के साथ फोर ए, इनवॉइस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन जीएसटी इनवॉइस रजिस्ट्री डी डुप्लीकेशन चेक। डी डुप्लीकेशन चेक मतलब इन्होंने डेटा भेज दिया, इन्होंने अपने पास स्टोर कर लिया
और चेक कर लिया कि उनके पास और हमारे पास सेम डेटा अब आ गया। 6B, इन्होंने इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ भेजी थी, एक तो GST पोर्टल पे भेजी थी और एक कहाँ भेजी थी इन्होंने, ईवे बिल के पास भेजी थी। GST सिस्टम नाउ हैज़ यूनिक इनवॉइस विद यूनिक नंबर, GSTR1 ऑफ सेलर अपडेटेड, GSTR2A ऑफ बायर अपडेटेड। मतलब देखो कितना बढ़िया हो गया, आपको GSTR1 फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही 1A और 2A अपने आप ही अपडेट हो गया। अगला चैप्टर है रिटर्न वाला, तो अभी आपके मुंह से निकला 2B, तो वहाँ पे हम समझेंगे फ़र्क 2A और 2B में फ़र्क क्या होता है। मैंने एक बारी तो समझाया था आपको, 2B सिर्फ आपके वैलिडेशन के लिए है कि किस किस ने शो कर दिया, जिस जिस का शो नहीं हो रहा उसको बोलो कि भाई रिटर्न फाइल करो। वैलिड तो कौन सा होता है, 2B। 2A एकदम डायनेमिक होता है, हर मिनट में अपडेट होता है, हर मिनट में अपडेट होता है। एक मिनट में इसने फाइल किया इसकी इन्फॉर्मेशन आई, अगले मिनट में इसने फाइल किया इसकी इन्फॉर्मेशन आई, तो ये तो चलता रहता है। 2B रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट एंड होगी तो ही 2B जनरेट होगा, जो 2B में आएगा वही वैलिड है, 2A वाला वैलिड नहीं है। ये बातें अपन कर चुके हैं, ठीक है। अब 6C, ईवे बिल सिस्टम विल क्रिएट अ ईवे बिल, वहाँ जाओगे ईवे बिल भी बन जाएगा आपका। हाँ, सब जगह डेटा पहुँच जाएगा, आपको जाके वैलिडेट ओके का बटन तो दबाना रहेगा ही रहेगा, इनका काम सिर्फ डेटा पहुंचाना रहेगा, ओके करना तुम्हारा काम है, ठीक है। मैं सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं जो मेरे एक्सप्लेनेशन में पहले नहीं आए, सॉरी, बाकी सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वन टाइम रीडिंग मैंडेटरी है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो, यूँ समझ लो कि पास होना है तो एक बार तो रीड करना ही करना पड़ेगा। एक बार तुम रीड नहीं कर रहे हो, नोट्स के भरोसे जा रहे हो, तो हमने डिस्क्लेमर दे दिया, ठीक। आगे चलते हैं, ये सब किसी काम का नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सिंगल स्टार के वो जो QR कोड, IRN का QR कोड बनेगा ना, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोई भी अगर QR कोड स्कैन करेगा तो उसको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता पड़ जाएगी। GST ऑफ सप्लायर रिसिपिएंट, इनवॉइस नंबर गिवन बाय सप्लायर, डेट ऑफ जनरेशन, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू एंड ग्रॉस टैक्स, नंबर ऑफ लाइन आइटम्स, कितने चीज़ें थी, 1, 2, 3, 4, 10 चीज़ें थी, उन 10 का 10 का HSN, यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ जनरेशन ऑफ IRN, इनवॉइस कब बना था तो IRN कब बना था, उन सबकी डेट भी आएगी, ठीक है। अगला है डायनेमिक QR कोड, ये हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, आज की पूरी क्लास इस डायनेमिक QR कोड के ऊपर ही बेस रहेगी। डायनेमिक QR कोड और स्टैटिक QR कोड, पहली बात समझ लो, IRN का QR कोड, वहाँ सिंपल बोल रहा हूँ QR कोड, यहाँ बोल रहा हूँ डायनेमिक QR कोड, दोनों अपने आप में कम्प्लीटली डिफरेंट है। सर कैसे, कि QR कोड IRN के लिए बनता है, वो ई इनवॉइस में आता है और ई इनवॉइस सिर्फ B2B के केस में बनाया जाता है। डायनेमिक QR कोड का ई इनवॉइस और QR कोड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डायनेमिक QR कोड, सुन लेना, चौंक जाना, सिर्फ B2C के लिए बनता है, B2B के लिए डायनेमिक QR कोड नहीं बनता, B2C के लिए। चौंक गई चारू, बड़े अच्छे से, ठीक है। तो डायनेमिक QR कोड किसके लिए बनेगा, ओनली फॉर B2C। कौन बनाएगा सर B2C के लिए, सर जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से क्या हो, ज्यादा हो। 500 करोड़ कौन सा, सिर्फ B2C वाला 500 करोड़ से ज्यादा हो, तो ओवरऑल टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो डायनेमिक QR कोड जनरेट करने की जरूरत नहीं है। B2C वाला टर्नओवर अगर 500 करोड़ से ज्यादा है तो डायनेमिक QR कोड जनरेट करेंगे। रूल का नंबर 46, उसका 6th प्रोविजो कहता है भाई डायनेमिक QR कोड बनाना पड़ेगा। अब ये रूल सुनने में सिंपल लगता है लेकिन इसका इम्प्लीकेशन बहुत भारी है। यूँ समझ लो, मैं सरकार का इंटेंशन बता देता हूँ, इंटेंशन के बाद सारे रूल्स आपको ईजिली समझ में आने लग जाएंगे। सरकार बस इतना चाहती है कि जो भी डॉक्यूमेंट तुम इशू करो कंज्यूमर को, आप इतने बड़े व्यापारी हो, 500 करोड़ से ज़्यादा B2C है, बहुत बड़ी मछली हो आप, तो आपके डॉक्यूमेंट में उस पार्टी ने आपको पेमेंट कैसे किया ये गिवन होना चाहिए, सिंपल।
या तो इशू के बाद वो पेमेंट करने वाला है। एग्जाम्पल आप समझ लो ना, कैश और क्रेडिट दो तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं। मैंने इसको माल बेचा, पैसे ये बाद में देगी। शुभी पहले पैसे दे रही है, उसके बाद इन्वॉइस इशू हो रहा है। तो अगर ये पैसे बाद में देगी तो सरकार की तरफ से मेरे ऊपर फाउंडेशन है कि मेरे इन्वॉइस में इसका डायनेमिक QR कोड होना चाहिए। इस डायनेमिक QR कोड में मेरा ट्रांजेक्शन, मेरा इन्वॉइस नंबर, मेरे इन्वॉइस की डिटेल्स और इसका पेमेंट डिटेल्स, मतलब डायरेक्टली ये स्कैन करे तो अमाउंट लिखा हुआ ही आ जाए, मेरा नाम लिखा हुआ आ जाए और डायरेक्ट पेमेंट हो जाए। मतलब डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए सरकार ने डायनेमिक QR कोड बोला। लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकार क्या फालतू की बातें कर रहे हो, मेरा तो इन्वॉइस ही तब इशू होता है जब सामने वाला मुझे पेमेंट कर देता है। अब जब उसने पेमेंट ही कर दिया तो फिर फालतू की फॉर्मेलिटी क्यों करवा रहे हो डायनेमिक QR कोड की? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वापस सर, मेरा बिजनेस ही ऐसा है जिसमें आप जब पहले पेमेंट करोगे तो ही मैं इन्वॉइस बना के दूंगा, बिना पेमेंट के तो इन्वॉइस क्या कुछ भी नहीं दूंगा। अब जब शुभी ने मुझे पेमेंट ही कर दिया, उसके बाद में इन्वॉइस जनरेट कर रहा हूं, तो फिर आप मुझे कह रहे हो कि नहीं नहीं इन्वॉइस में डायनेमिक QR कोड भी दे। अबे क्यों दे, उसने पेमेंट ही कर दिया। तो फिर सरकार क्या कह रही है? तो फिर एक काम कर, शुभी ने तुझे पेमेंट कैसे किया उसकी डिटेल दे। कैश में किया, चेक से दिया या ऑनलाइन ट्रांसफर किया, और जैसी भी मोड से दिया उसका रेफरेंस नंबर भी दिया। कैश में दिया तो कौन से डेट पे कैश दिया उसने, चेक से दिया तो क्या चेक नंबर है उसका, और अगर उसने ऑनलाइन ट्रांसफर कराया तो उसका जो रेफरेंस नंबर आता है वो रेफरेंस नंबर उसने इनवॉइस में डाल दिया। अब बहुत सारी बार ये अलग अलग सिनेरियो बताएगा, सब में घूम घाम के हम इसी पॉइंट पे पहुंचेंगे कि अगर उसने पेमेंट पहले कर दिया है तो उस पेमेंट का रेफरेंस नंबर डाल दो। अगर आपने वो रेफरेंस नंबर डाल दिया है, इसका मतलब आपने डायनेमिक QR कोड की कंडीशन फुलफिल कर दी है, और अगर उसने पेमेंट नहीं दिया है तो फिर आप डायनेमिक QR कोड डाल दो। समझ में आया कि नहीं आया? मैडम अल्ले पल्ले पड़ रही है कि तू खो गई कहीं पे? तेरे को समझ में तो आ रहा है ना, भले ही नहीं है, समझ में सबको आ रहा है? ओके बेटा, तूने 3 डेट्स देखी, जहां से ज्ञान मिले बटोर लो। डाउट इसने पहले पूछ लिया तो जवाब देता हूं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सर डायनेमिक QR कोड इनवॉइस में आएगा क्या? प्रिंट करके देना है क्या? आपने कहा था एक बार पहले। हाँ सही क्वेश्चन, बिल्कुल वैलिड है। इसका भी प्रावधान है। क्या प्रावधान है? या तो आप डायनेमिक QR कोड इनवॉइस में प्रिंट करके दे दो, हमारी तो ये कंपल्शन है, हमारी तरफ से जो कंडीशन है ना वो यही है कि डायनेमिक QR कोड आप प्रिंट करके दे दो। मैं काय को प्रिंट करके दूँ, मतलब डिस्प्ले कर दूँगा। जाते हैं ना अपन शोरूम्स में, वो तो डिस्प्ले कर देते हम स्कैन करके पेमेंट कर देते। तो प्रिंट करके देना जरूरी है क्या? मैंने कहा नहीं, आप डायनेमिक QR कोड डिस्प्ले कर रहे हो और उस डायनेमिक QR कोड से वो पेमेंट कर रहे हैं ना, ये भी काफ़ी है। बस शर्त, पेमेंट कर दिया ना उसने तो उसकी डिटेल कहाँ जाएगी? इनवॉइस में। तो इनवॉइस में अपन आइदर और बहुत सिंपल करके रख देता हूँ, या तो इनवॉइस में डायनेमिक QR कोड होना चाहिए या उसने आपको पेमेंट कैसे किया उसकी डिटेल होनी चाहिए, बस खत्म। ठीक है, भाई ऐसा अपन इनवॉइस को लास्ट डेट वाला रूल होता है ना, फिर उसने लास्ट डेट के बाद पेमेंट कर रहा है तो सुना ही नहीं मैंने। ठीक है सुनो, बाद में थोड़ा मैं पढ़ा दूँ, थोड़ा पढ़ा दूँ, भूल जाएगा तो मेरी गलती है। UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर किसको मिलता है? एम्बेसीज को मिलता है, हाँ यूनेस्को, UNO, इनको मिलता है। तो ये लोग को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये रजिस्टर्ड है। इनके साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो भी क्या माना जाएगा? B2C ही माना जाएगा। इसमें भी डायनेमिक QR कोड होना चाहिए, क्लियर। B2B में इनवॉइस होना चाहिए, B2C में डायनेमिक QR कोड होना चाहिए। इनवॉइस के लिए 5 करोड़ की लिमिट है, डायनेमिक QR कोड के लिए 500 करोड़ की लिमिट है, क्लियर है? ओके, इंपॉर्टेंट, किस किस को डायनेमिक QR कोड इशू करने की जरूरत नहीं है? वही लोग जिसको इनवॉइस इशू करने की भी जरूरत नहीं थी। पहला इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी, इनको डायनेमिक QR कोड इशू करने की जरूरत नहीं। आप देखो ना, इंश्योरेंस वाले B2C वाले ट्रांजेक्शन कैसे देते हैं आपको, आपके स्टेटमेंट में लिख के दे देते हैं कि इतने चार्जेस आपके कटे, इतने चार्जेस आपके डिडक्ट हुए, इसमें GST लगाया। तो अब हर चीज के लिए आपको
डायनेमिक क्यूआर कोड वाला इनवॉइस थोड़ी देंगे। तो ये लोग तो आपको बिल ही मंथली बेसिस पे देते हैं। इनको बोल रखा है कि आपको अगर बिल देना ही है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, इनवॉइस तो इशू करना ही पड़ेगा। तो आप लोग इनवॉइस कैसे इशू कर सकते हो? मंथली बेसिस पे, कि आपने एसएससी का कितने चार्जेस डिडक्ट किए हैं, कितना उस पर जीएसटी लगाए, पूरा मंथली इनवॉइस बना के इनको दे दो। तो इनको डायनेमिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। सेकंड, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए, इनको भी डायनेमिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, इनको भी जरूरत नहीं है। फिर एक होगा मल्टीप्लेक्स वाले, सिनेमा हॉल्स वाले, इनको भी जरूरत नहीं है। ओइडार, सॉरी, ओइडार वालों को भी जरूरत नहीं है। इन लोगों को डायनेमिक क्यूआर कोड इशू करने की जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट के केस में भी डायनेमिक क्यूआर कोड इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो B2B माना जाता है, B2C नहीं माना जाता। डायनेमिक क्यूआर कोड में क्या क्या डिटेल्स रहेगी, इंपॉर्टेंट। क्यूआर कोड में क्या क्या डिटेल्स रहेगी, डायनेमिक क्यूआर कोड में क्या क्या डिटेल्स रहेगी, वो इनवॉइस रिलेटेड था, ये पेमेंट रिलेटेड है। तो सप्लायर का GST रहेगा, B2C है तो रिसिपिएंट का GST तो रहेगा ही नहीं। फिर क्या रहेगा, सप्लायर की UPI ID, जिससे डायरेक्टली पेमेंट बैंक में चला जाएगा। पे इसकी बैंक अकाउंट नंबर, मतलब सप्लायर का ही बैंक अकाउंट नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू, GST अमाउंट अलॉन्ग विद द ब्रेकअप, CGST, SGST, IGST कितना कितना है, ये सारी चीज़ डायनेमिक क्यूआर कोड में रहेगी। डन, ओके, नेक्स्ट, कंप्लायंस विद द डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट इन सर्टेन केसेस, इन सर्टेन केसेस। अब वो बार बार वही कि सर उसने पहले पेमेंट दे दिया है, तो मैंने डायनेमिक क्यूआर कोड डिस्प्ले करके पेमेंट कर लिया है, तो सब में एक ही रिक्वायरमेंट है, या तो डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट कर दो या पेमेंट की डिटेल्स पब्लिश कर दो। सिंपल, ये पढ़ लेंगे तो शायद तेरा डाउट खत्म हो जाएगा अपने आप, इसलिए रोक रहा हूँ। पहला कह रहा है, इफ सप्लायर प्रोवाइड्स डिस्प्लेस डायनेमिक क्यूआर कोड बट द कस्टमर ऑप्ट्स टू मेक पेमेंट विदाउट यूजिंग डायनेमिक क्यूआर कोड एंड सप्लायर प्रोवाइड्स द क्रॉस रेफरेंस नंबर ऑफ सच पेमेंट मेड विदाउट यूज ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड ऑन द इनवॉइस। मतलब सर, अब वो जिनको पैसे लेने होते हैं तो बड़ी कंपनी तो ख्याल रखती है कि हमारे पास हर तरीके का साधन मौजूद हो, कि मेरा कस्टमर जैसे पैसा देना चाहे मैं पैसा एक्सेप्ट कर सकूँ, UPI ID से कर सकूँ, डेबिट कार्ड से कर सकूँ, क्रेडिट कार्ड से कर सकूँ, या फिर मैं कैश ले सकूँ, जैसे हो सकता हो QR कोड से कर सकूँ, UPI ID डाल के कर सकूँ, नंबर डाल के कर सकूँ, जैसे हो सकता हो, हमें बस पेमेंट चाहिए। तो अब वो क्या कह रहा है कि मान लो वो मैक्स के शोरूम वालों ने मुझे QR कोड डिस्प्ले कर दिया, मैंने कहा नहीं, QR कोड से पेमेंट नहीं करूँगा, ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड, स्वाइप कर दूँ। तो वो कह रहे हैं यार हमने तो डिस्प्ले किया, उसकी मर्जी है वो यूज़ करे कि ना करे, उसने यूज़ नहीं किया, उसने किसी और मोड से पेमेंट कर दिया, उसने कैश ही किन के दे दिया, उसने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से इशू कर दिया, जैसे भी कर, जैसा भी उसने पेमेंट किया उसका रेफरेंस नंबर इनवॉइस में इशू करके दे दे, तो अब तुझे इनवॉइस में डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करके देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, ओके, नेक्स्ट, ये सारी कहानी वही है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। केस टू, इफ द सप्लायर मेक्स अवेलेबल टू कस्टमर एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट लाइक UPI कलेक्ट, UPI इंटेंट और सिमिलर अदर मोड ऑफ पेमेंट थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन और कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन वेयर दो डायनेमिक क्यूआर कोड इज नॉट डिस्प्लेड बट द डिटेल्स ऑफ मर्चेंट एज वेल एज द ट्रांजैक्शन आर डिस्प्लेड कैप्चर्ड अदरवाइज। अभी कह रहा है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, हर ऑनलाइन पेमेंट में डायनेमिक क्यूआर कोड थोड़ी आता है, क्योंकि मोबाइल में ही कोड आ जाएगा तो स्कैन कैसे करोगे आप? तो फिर क्या आता है सर, उसमें तो अलग अलग मोड्स आते हैं ना, कैश ऑन डिलीवरी आता है, फिर उसमें क्या आता है, उसमें फ़ोनपे जीपे वाला ऑप्शन आता है, उसमें डायरेक्ट UPI बैंकिंग ऐप के थ्रू आता है, उसमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का आता है, अदर कोई वॉलेट है तो उसका ऑप्शन आता है। तो बहुत सारे ऑप्शन उन्होंने दे दिए, आपने जिस भी मोड से पेमेंट किया हो उस मोड को आप इनवॉइस में मेंशन कर दो कि इसने मुझे UPI से पेमेंट किया, ये रही UPI ID, ये रहा उसका रेफरेंस नंबर। सिंपल, ठीक। अगला, इन केस प्री पेड इनवॉइस वेयर पेमेंट हैज बीन मेड बिफोर इश्यूएंस ऑफ द इनवॉइस, कि हम माल तभी देंगे, इनवॉइस तभी इशू करेंगे जब आप क्या दोगे, हमें पेमेंट दोगे। तो जब उसने पहले ही पेमेंट कर दिया तो काय का डायनेमिक क्यूआर कोड, तो उस केस में जो उसने पेमेंट दिया उसका रेफरेंस नंबर आप डाल दो उसमें, ठीक है। इन केस वेदर द ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज कंप्लाइड विद द डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट वेदर द सप्लायर यूजिंग सच ई कॉमर्स ऑपरेटर पोर्टल और एप्लीकेशन विल स्टिल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द डायनेमिक क्यूआर कोड। अब ये केस क्या है कि मैं एज अ सप्लायर मेरा माल फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचता हूँ
फ्लिपकार्ट ने डायनेमिक क्यूआर कोड की सारी कंप्लायंस पूरी कर रखी है, तो मेरे ऊपर भी डायनेमिक क्यूआर कोड की कंप्लायंस एप्लीकेबल है क्या? ये मैंने बोला ही नहीं, तूने पूछा भी नहीं। मैं कह रहा हूँ हाँ मेरा B2C 500 करोड़ के ऊपर है, पर वो लोग डायनेमिक क्यूआर कोड दे देते हैं ना, तो मुझे भी देना है क्या? यस, डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट सप्लायर टू सप्लायर है। अगर मैं एज अ सप्लायर इको के थ्रू माल सेल करता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है B2C, तो मुझे डायनामिक क्यूआर कोड इशू करके देना पड़ेगा, या फिर मैंने पेमेंट पहले ले लिया है तो उस पेमेंट की डिटेल मेरे इनवॉइस में होनी चाहिए। सिंपल, ठीक है। मींस अगर कैश ऑन डिलीवरी भी है, पेमेंट पहले नहीं आया, तो डायनेमिक क्यूआर कोड होना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ रिटेल सेल्स ओवर द काउंटर केस तो पूरा पढ़ी दो। इन केस ऑफ रिटेल सेल्स ओवर द काउंटर द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर इज रिसीव्ड ऑन द पेमेंट काउंटर बाय डिस्प्लेइंग डायनेमिक क्यूआर कोड ऑन डिजिटल डिस्प्ले वेयर एज द इनवॉइस अलॉन्ग विद द इनवॉइस नंबर इज जनरेटेड ऑन द प्रोसेसिंग सिस्टम बींग यूज बाय सप्लायर मर्चेंट आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट। देखो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये अब आपके डिपार्टमेंटल स्टोर वाली बात कर रहा है कि वहाँ पर आपका बिल ही तब जनरेट होगा जब आप पेमेंट कर दोगे, नहीं तो पहले प्रिंट करके दे नहीं सकता हूँ आप। देख लेना, आप उसको कैश भी कहोगे ना कि मैं तो कैश दूंगा, कि ला बिल दे कैश देता हूँ। हाँ, पहले कैश दो, उसका ड्रॉवर ऑटोमेटिकली खुलेगा, वो उसमें पंच करेगा कि 500 के कितने नोट, 200 के कितने नोट, इसके कितने नोट, और फिर वो पिन ऊंची कर करके नोट फंसाएगा। देखा है आप लोगों ने? हाँ, फिर वो ड्रॉवर क्लोज होगा, उसके बाद बिल प्रिंट होगा, ठीक है। तो सर अब क्या हो रहा है, पहले पेमेंट आ रहा है, फिर हमारा सिस्टम प्रोसेस हो रहा है, फिर इनवॉइस जनरेट हो रहा है। तो अब पेमेंट आ गया ना, तभी बिल जनरेट हो रहा है ना, तो क्या करो, बिल में पेमेंट की डिटेल दे दो। और आपके प्रोसेस में अब वो क्या होता है कि सर पेमेंट पहले आ गया, शायद यही वाला केस है कि आगे एक और केस है इसमें, यही वाला केस है। इस वाले केस में क्या होगा कि अब सर वो जो पेमेंट हम कलेक्ट करते हैं ना, वो पेमेंट हम इनवॉइस नंबर वाइज तो कलेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप सोचो एज पर क्रोनोलॉजी इनवॉइस तो जनरेट ही बाद में हो रहा है, तो मैं इनवॉइस नंबर कैसे लॉक कर दूं? प्रैक्टिकली होके सोचो, आप बेस्ट प्राइस गए हो, बेस्ट प्राइस में 10 से 20 काउंटर लगे हुए हैं, हर काउंटर पे बिलिंग चालू है, आप अपना पेमेंट टाइम टू टाइम चेंज कर दो। अरे यार ये इतने तो कैश ही है, चल कार्ड नहीं, कार्ड नहीं चल रहा, चल ये डेबिट कार्ड से ले लो, चल फिर मैं स्कैन ही कर देता हूँ, वो आपस में दो भाई, अरे मैं दूंगा पेमेंट मैं दे देता हूँ, तो वो कैसे इनवॉइस लॉक कर दे? अगले काउंटर पे तो बिलिंग चालू ही चालू है, तो इनवॉइस नंबर भी लॉक नहीं कर सकते हो। तो आप पहले पेमेंट दोगे, उसके बाद ही इनवॉइस नंबर जनरेट होगा। तो फिर अब क्या कह रहे हैं, तो आपका सिस्टम कुछ ऐसा हो कि वो इनवॉइस का कोई एक अपने इंटरनल चेकिंग के लिए कोई रेफरेंस नंबर तो जनरेट करता होगा ना, हाँ एक रेफरेंस नंबर जनरेट करता होगा, उस रेफरेंस नंबर के थ्रू आपसे पैसे लेता होगा, फिर आप पैसे दे देते होंगे, तो उस रेफरेंस नंबर को प्रोसेस करके क्या करता होगा, इनवॉइस जनरेट करता होगा, और फिर आपका इनवॉइस नंबर होता होगा। तो आपके ऊपर रिक्वायरमेंट है कि आप उस रेफरेंस नंबर को भी संभाल के रखोगे, और उस रेफरेंस नंबर से हमें लिंक करवा के दे दोगे कि इस रेफरेंस नंबर से पैसा कैसे आया, और इस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में इनवॉइस कौन सा इशू हुआ। तो आप देखा करो, जब भी ऐसे इनवॉइस आपके हाथ में आएंगे तो उसमें दो नंबर होंगे, एक इनवॉइस का नंबर होगा और एक उस ट्रांजेक्शन का रेफरेंस नंबर होगा, उस इनवॉइस का रेफरेंस नंबर होगा, जो कोई बैंकिंग का रेफरेंस नंबर नहीं है, वो नंबर है उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल के लिए। तो ये कह रहे हैं कि फिर इनवॉइस में वो इनवॉइस का रेफरेंस नंबर भी क्या होना चाहिए, ठीक है। सर पार्ट पेमेंट होगा तो क्या होगा, घूम फिर के वही बात, बच्चे जितना पेमेंट दे दिया है उसकी डिटेल होगी, बाकी के लिए डायनेमिक क्यूआर कोड होगा, सिंपल। हाँ अब पूछ सवाल, आगे का कुछ समझा नहीं कि सवाल पे ही रह गया याद करते करते, बोल। अच्छा वेरी गुड, यार बेटा अपन को पता ही नहीं है कि वो पेमेंट कैसे करेगा, तो अपन तो डायनेमिक क्यूआर कोड दे दो ना। सरकार की रिक्वायरमेंट ये थोड़ी है कि पेमेंट डायनेमिक क्यूआर कोड के थ्रू ही लेना है,
सरकार तो सिर्फ डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना चाहती है, इसलिए क्या कह रही है, डायनेमिक क्यूआर कोड छाप के दे दो, उसकी मर्जी है वो कैसे भी पेमेंट करे, ठीक है। अरे तो तूने डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करके दे दिया ना, तेरी रिक्वायरमेंट खत्म। अब वो कैश में दे रहा है, अपन मना थोड़ी करेंगे कि मध्य कैश में डायनेमिक क्यूआर कोड को यूज कर, मैंने प्रिंट करके दे तो दिया है गधे, ऐसे थोड़ी कहेंगे अपन। क्लियर है? इसके क्वेश्चन से ये साबित होता है कि सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक क्यूआर कोड डिस्प्ले करना है, प्रिंट करके देना है, पेमेंट पहले आ गया है तो पेमेंट का रेफरेंस देना है, खत्म। अब हमारा कस्टमर डायनेमिक क्यूआर कोड यूज करे कि ना करे उसकी मर्जी, हमें तो प्रिंट करके देना। क्लियर? एग्जाम्पल था तो मैक्स का एग्जाम्पल ले ले मेरे भाई, बेस्ट प्राइस को छोड़ के बिग बाजार का एग्जाम्पल ले ले, वो तो कस्टमर को देता है। अब यार थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन आपकी बुक में है तो मार्क कर लेना, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। हर डॉक्यूमेंट में क्या क्या डिटेल होनी चाहिए उसकी टेबल बना रखी है, क्या आप जो रिवाइज इनवॉइस बनाओगे उसमें ये डिटेल होनी चाहिए। वहाँ मेन टैक्स इनवॉइस में तो 18-18 डिटेल है, यहाँ पे 8-10 रहेगी बस। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। अगर वो कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर रहे हो तो उसकी ये डिटेल होनी चाहिए। ऐसे हर चीज़ की टेबल बनी हुई है यहाँ पे। फिर आप ये बिल ऑफ सप्लाई रिसिप्ट वाउचर इशू कर रहे हो तो उसकी ये टेबल, इसमें ये कैरेक्टर्स होने चाहिए सारे। रेयर ऑफ द रेयर चांस है रिफंड वाउचर, इनवॉइस अंडर RCM, और अब ये I don't know पेन नंबर कौन सा है, रिसिप्ट वाउचर और सॉरी पेमेंट वाउचर और इनवॉइस अंडर RCM के बाद वाला टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या है कि सच सप्लायर टू हूम इनवॉइस शैल नॉट बी इशूड एज मे बी प्रिस्क्राइब, कि इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कौन कौन लोग हैं उनकी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक बोल रखा है कि आपको इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकली सिनेमा हॉल्स वाले, उनको टैक्स इनवॉइस जनरेट करने की इशू नहीं है। GTA वाले कंसाइनमेंट नोट बना दो, टैक्स इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले, टिकट दे दो कस्टमर, आपको टैक्स इनवॉइस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जिनको टैक्स इनवॉइस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टैक्स इनवॉइस अगर इशू नहीं करेंगे तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, टैक्स इनवॉइस के बदले में कोई और डॉक्यूमेंट वगैरह, कुछ पर्ची टिकट विकट तो देंगे, तो उस टिकट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी होनी चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एक चीज़ का, ठीक है। तो पहला है बैंकिंग इंश्योरेंस। आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे तो आप कोई सा भी लेटर मेल कुछ भी डाल दो, उसमें ये इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी और ये इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल। सीरियल नंबर एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, ये तो क्या हो गया ऑप्शनल, मैंडेटरी अदर इंफॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब फॉर अ टैक्स इनवॉइस अंडर रूल 46 में जो 18 चीजें हैं वो उस डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। देन अ कस्टमर मे अवेल न्यूमरस सर्विस फ्रॉम द बैंक, सच एंटिटीज में इशू अ कंसोलिडेटेड इनवॉइस, मंथली बेसिस पे जो इशू करेंगे वो है ये। यार अब मैं सारी चीज़ें रीड नहीं करूँगा, वो बहुत स्पून फीडिंग हो जाती है। QR कोड होना चाहिए, एट द एंड ऑफ द मंथ कंसोलिडेटेड इनवॉइस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं इसमें, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट तो नाम है कि कौन कौन टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करे तो चलेगा। एक तो बैंकिंग इंश्योरेंस वाले, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले, और सप्लाइंग सर्विस ऑफ मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, ठीक है, जिसपे ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं थी, वही वाले लोग, ठीक है। अब रीड लिख दो उसके ऊपर और टेबल के आगे लिख दो रीड एट द टाइम ऑफ रिवीजन।
एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो पढ़ा दूँ तो फिर छुट्टी करें अपन। अगला टॉपिक है डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान का ज़्यादा काम हमें ईवे बिल वाले चैप्टर में आएगा। तो डिलीवरी चालान किसको बोलते हैं समझ लेना, कि मैं कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हूँ पर उसको मैं सेल नहीं कर रहा। सेल करूँगा तो टैक्स इनवॉइस इशू करना है, सेल नहीं कर रहा हूँ पर गुड्स तो मूव कर रहा हूँ। तो अब गुड्स मेरी एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, रास्ते पे घूम रहे हैं, तो उसके कोई प्रूफ तो होना चाहिए कि ये गुड्स किसके हैं, कहाँ से निकले हैं, कहाँ जाना है। तो उसके लिए अपन इशू करते हैं डिलीवरी चालान। आप ज़रा दिमाग पर जोर डालो और सोचो ऐसे कौन कौन सी सिचुएशंस होगी जब मुझे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करने पड़ेंगे पर मैं उनको बेच नहीं रहा। बोल गोडाउन से शोरूम, शोरूम से गोडाउन, तो डिलीवरी चालान होना चाहिए। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जा रहा है मतलब समहाउ। अब और इसी बेसिस पे एग्जांपल मत लेना, मतलब मेरी एक लोकेशन से मेरी ही दूसरी लोकेशन पे जा रहा है तो फिर क्या होना चाहिए, डिलीवरी चालान होना चाहिए। ठीक है, और कुछ? फ्रेंचाइजी अलग अलग जीएसटी रजिस्टर्ड होते हैं, सबके अलग अलग बिल बनते हैं। इनवॉइस बनता है उसमें, जहां पे भी एंटिटी चेंज हो गया, जीएसटी नंबर चेंज हो गया, वहां पे तो फिर क्या बनेगा, इनवॉइस बनेगा। मतलब जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जॉब वर्क के लिए जा रहा है, तो मैं हूं ए रजिस्ट्रेशन पे, जहां जा रहा है वो बी पर्सन है, उसका खुद का रजिस्ट्रेशन अलग है, तो फिर क्या चाहिए, इनवॉइस चाहिए। सीटीपी एनआरटीपी को डिलीवरी चालान चाहिए। और फिर किसको चाहिए, ये जो कंस्ट्रक्शन वाले होता है, जो मेकिंग द गुड्स अवेलेबल वाला कंसेप्ट होता है, तो उस केस में मान लो मैं फर्नीचर का व्यापारी हूँ, अब आपको आपके घर पे फर्नीचर बनवाना है, तो फर्नीचर बनेगा उसको मैं आपको हैंडओवर करूँगा तब तो इनवॉइस बनाऊँगा ना। लेकिन फर्नीचर बनाने के लिए मेरा माल इधर से उधर मूव होता है कि नहीं होता, मेरी दुकान से लकड़ी आएगी, फैब्रिक आएगी, फॉर्म आएगा, मेरे टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स आएंगे, वो सब आपकी लोकेशन तक आएंगे, आपका पूरा सोफा सेट, आपका फर्नीचर तैयार होगा, फिर मैं हैंड ओवर करूंगा तो इनवॉइस जनरेट करके दूंगा। उससे पहले जितनी भी बार गुड्स मूव हो रहा है उसके लिए क्या बनेगा, डिलीवरी चालान बनेगा। बहुत सारी बार क्या होता है कि गुड्स अप्रूवल बेसिस के लिए हम लेके जाते हैं, अप्रूवल बेसिस के लिए हम लेके जाते हैं। मूवीज में देखा होगा आपने कि जब बड़े बड़े घरों में शादी होती है तो साड़ी वाला साड़ी का थैला पैक करके घर लाता है, बहन जी ये देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, है ना। ज्वेलरी वाले ज्वेलरी घर लेके आते हैं, आर्टिस्ट वाले अपने आर्ट क्रिएशंस घर लेके आते हैं, तो वो पसंद करवाते हैं, तो पसंद करवाते हैं तो हमें खरीदना तो एक है पर वो लेके तो 10 आते हैं, तो वो 10 चीज़ें अपनी दुकान से हमारे यहाँ तक लेके आते हैं, तो फिर क्या चाहिए उनको, डिलीवरी चालान चाहिए। समझना है, जब भी माल बिका नहीं है एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है तो क्या चाहिए, डिलीवरी चालान चाहिए। इनवॉइस क्यों, वो तो डिपो ने माल भेज दिया पेट्रोल पंप वाले को, पेट्रोल पंप वाला एक सेपरेट एंटिटी है, फ्रेंचाइजी वाला मॉडल ही तो हुआ। ठीक, कंसाइनमेंट तो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों अलग अलग रजिस्टर्ड एंटिटी है, इनवॉइस लगेगा। ठीक है, तो जब जब भी डिलीवरी चालान होगा तो अब ईवे बिल डिलीवरी चालान के बेसिस पे बनेगा। डिलीवरी चालान इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ इनवॉइस, क्योंकि माल बिका नहीं है, उसमें भी इनवॉइस जितनी सारी डिटेल्स होनी चाहिए, किसका माल है, किसकी तरफ जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, किधर जा रहा है, कौन से रूट से जा रहा है, क्या क्या माल है, उसकी क्या रेट है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। एक सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस वेयर द क्वान्टिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द सप्लायर इज नॉट नोन, मीन्स आपके जो सिलेंडर रिफिल्स करने आते हैं ना, तो वो सिलेंडर रिफिल्स करने के लिए अपनी एक बड़ा सिलेंडर लेके आते हैं, जिससे छोटे सिलेंडर्स क्या करते हैं, रिफिल करते हैं। तो दुकान से तो पूरा बड़ा सिलेंडर निकल रहा है, एसी की गैस भरने आएगा तो बड़ा सिलेंडर लेके आएगा, अब एसी में जितनी गैस आएगी उसके मीटर में आ जाएगा इतनी गैस मैंने भरी है, तो फिर आपको इनवॉइस इशू करके देगा। तो वहाँ से तो 50 किलो लेके आए, यहाँ 5 किलो का ही काम पड़ा है, तो उसके लिए क्या लगेगा, उसको डिलीवरी चालान लगेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन बाय वे ऑफ सप्लायर, रिपेयर होने ही जा रहे हैं मेरे कोई गुड्स, मेरे यहाँ से ये एसी अब रिपेयर होने जा रहा है कहीं पे रिपेयर शॉप पे, तो मैं एसी बेच थोड़ी रहा हूँ, और रिपेयर शॉप जो रिपेयरिंग करेगा उसका इनवॉइस वो बना के देगा, पर मेरा एसी तो इधर से उधर मूव हो रहा है, उसके लिए भी क्या चाहिए, डिलीवरी चालान चाहिए। ठीक है सर, सप्लाई,
सच अदर सप्लाइज एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड, कि कहाँ कहाँ उन्होंने नोटिफाई किया है। अब डिलीवरी चालान भी तीन कॉपी में होना चाहिए, ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट। ओरिजिनल फॉर द कंसाइनी, जिसको माल भेज रहे हैं उसके लिए, डुप्लीकेट फॉर द ट्रांसपोर्टर जो लेके चल रहा है वो, ट्रिप्लीकेट हमारे लिए जो माल मूव करवा रहा है वो। डिक्लेरेशन इन द ईवे बिल, ईवे बिल में आपको डिलीवरी चालान का नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको एक केस बताता हूँ डिलीवरी चालान का। मेरा एक क्लाइंट है जो बड़ी बड़ी मशीन खरीदता है, उसको किराए पर देता है, ठीक है। तो अब उसके पास कोई क्लाइंट आया कि मेरे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, आपकी जेसीबी मशीन मुझे 3 महीने के लिए किराए पे चाहिए। तो जेसीबी मशीन को चलाते के थोड़ी भेजता है वो, तो जेसीबी मशीन को ट्रक में लोड करके वहाँ भेज देता है उसकी साइट पे। अब वो जेसीबी मशीन बेच थोड़ी रहा है उसको, वो तो वहाँ जाएगी, काम करेगी और आ जाएगी। तो ये पहले एक डिलीवरी चालान बनाता है कि मेरी ये मशीन सो एंड सो, इसका डिस्क्रिप्शन, ये मेरी इस जगह से उस जगह पर जा रही है किसके लिए, जॉब वर्क के लिए। अब उस डिलीवरी चालान का एक नंबर होता है, उस नंबर से हम बनाते हैं ईवे बिल। तो अब ये मशीन वहाँ जाके मूव करती है, 3 महीने वहाँ काम करती है, फिर वापस माल आता है। तो फिर वापस से डिलीवरी चालान बनता है कि अब मशीन मेरे पास वापस आ रही है काम करके, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ से मेरे यहाँ तक आएगी, ये मशीन की डिटेल्स है, ये गाड़ी नंबर है, यहाँ से आ रही है। फिर उसका भी हम क्या बनाते हैं, ईवे बिल बनाते हैं, ठीक है। ईवे बिल तो कोई भी बना सकता है, एज अ कंसल्टेंट मैं बनाता हूँ कि क्लाइंट खुद बना लेता है। दोनों में से कोई भी बना सकता है, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन SKD एंड CKD, SKD सेमी नॉकडाउन और CKD कंप्लीटली नॉकडाउन, टुकड़े करके भेज रहे हैं भाई। विंड मिल जाते हुए देखिए तुम लोगों ने, हाँ है ना, देखिए ना, वो एक पंखा उसको एक तो बड़े ट्रक में जाता है, उसका रोड भी पहले स्पेसिफाइड होता है। तो अब वो जो है वो है सेमी नॉकडाउन कंडीशन। सेमी नॉकडाउन कंडीशन मतलब विंडमिल बन गई, अब उसके अलग अलग पीस कर दिए गए और धीरे धीरे ले जाया जा रहा है, ठीक है। कंप्लीटली नॉकडाउन मतलब बहुत बिल्कुल ही टुकड़े टुकड़े, एक इंडिविजुअल मतलब ऐसा पार्ट जा रहा है जो आप समझ भी नहीं पाओगे कि विंडमिल का पार्ट है, ऐसे टुकड़े टुकड़े करके जा रहा है, कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन। इन केसेस में अब डिलीवरी चालान की रिक्वायरमेंट क्या है, तो सुन लो पूरा रूल। पहला, कि जब पहला कंसाइनमेंट निकलेगा ना, उसके साथ इशू हो जाना चाहिए इनवॉइस। पहला कंसाइनमेंट अगर सप्लाई कर रहे हो, आप सप्लाई नहीं कर रहे तो डिलीवरी चला नहीं है, लेकिन आप सप्लाई ही कर रहे हो, तो फिर पहले कंसाइनमेंट के साथ जाएगा आपका इनवॉइस पूरे आइटम का, पूरे आइटम का इनवॉइस पहले कंसाइनमेंट के साथ। फिर बाकी के कंसाइनमेंट के साथ जाएगा डिलीवरी चालान और उस इनवॉइस की कॉपी, ठीक है। और आखिरी कंसाइनमेंट के साथ वापस से डिलीवरी चालान और उसकी ओरिजिनल कॉपी इनवॉइस की। क्लियर है? इनवॉइस जनरेट होगा, यूं है वो कि पहले कंसाइनमेंट पे ही इनवॉइस क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। आप कॉपी भेजते रहो सबके साथ, कॉपी डिलीवरी चालान, कॉपी डिलीवरी चालान, कॉपी डिलीवरी चालान, आखिरी वाले के साथ डिलीवरी चालान प्लस उसकी हार्ड कॉपी, ठीक है। बेटा मैं समझा रहा हूँ, मैंने एक मशीन ऑर्डर करी 50 लाख रुपए की है, मशीन बिल्डिंग बराबर की मशीन है, तो बिल्डिंग बराबर की मशीन कैसे आएगी, तो वो तो पार्ट्स एंड पीसेस में उसको ट्रांसपोर्ट करेगा ना। तो जब उसने पहला ट्रक रवाना करा तो उस ट्रक के साथ ही पूरे 50 लाख की मशीन का इन्वॉइस बन जाना चाहिए। आप ये मत कहना कि सारा माल पहुँचा दूँ फिर तो इन्वॉइस दूंगा ना, पहले लॉट के साथ ही इन्वॉइस बन जाना चाहिए पूरे 50 लाख। अब जितना पार्ट आप भेज रहे हो उसका सेपरेट डिलीवरी चालान बनेगा और उस इनवॉइस की कॉपी साथ में जाएगी, प्लस उसका ईवे बिल भी बनेगा। यार समझ, वापस बोल रहा हूँ, सुन लो पहले तुम अच्छे से सुनो, समझने की कोशिश करो। मेरी 50 लाख की मशीन 5 हिस्सों में आने वाली थी। एग्जाम्पल में अपन मान लेते हैं हर हिस्सा कितने का है, 10 लाख, तो इनवॉइस कितने का बनेगा, 50 लाख। पर अभी जो आइटम आ रहा है वो पूरे 50 का है क्या? नहीं ना, कितने का है? 10 का। और कोई ये भी नहीं करेगा कि 5 ट्रक लाइन से भेजेगा ट्रेन की तरह, वो जैसे जैसे चीज़ें बनती जाएगी वैसे भेजता जाएगा, उसका भी एक वर्कशॉप है, उसकी एक कैपेसिटी है, तो वो पार्ट्स बनाता जाता है डिलीवर करता जाता है, पार्ट्स बनाता जाता है डिलीवर करता जाता है। तो उसने जब पहला पार्ट बेचा उसके साथ पूरे 50 लाख का इनवॉइस बन जाना चाहिए। तो जो इनवॉइस आ रहा है वो पूरी मशीन का है, जो डिलीवरी चालान आ रहा है वो उस 10 लाख के पार्ट का है। समझ में आया?
अब अगर ढक्कन पता तो पड़ना चाहिए ना कि सिर्फ 10 लाख का ही माल मूव कर रहे हैं, पूरे 50 लाख का माल मूव नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हर पार्ट के साथ 50-50 लाख का इनवॉइस देते रहेंगे, डिलीवरी चालान देंगे ही नहीं, तो 5 में तो 2.5 करोड़ हो गया वो, समझे। और ऐसे एक ही इनवॉइस पे माल चलता रहेगा तो इनवॉइस तो एक ही रहेगा, 4-5 मशीनें निकल जाएगी नीचे से। तो हर पार्ट के साथ डिलीवरी चालान होना जरूरी है उस पार्ट का, ठीक है। या ईवे बिल अभी अपन ने नहीं पढ़ा है, ईवे बिल भी इशू करेंगे, हर डिलीवरी चालान का एक ईवे बिल होगा। सर जब ईवे बिल इशू कर ही रहे हैं तो डिलीवरी चालान की क्या जरूरत है? अरे डिलीवरी चालान मैं इशू कर रहा हूँ, ईवे बिल बना के उसको गवर्नमेंट से सर्टिफाई करवा रहा हूँ। डिलीवरी चालान तो मेरे घर की खेती जितने मर्जी इशू कर दूंगा, सरकार से ईवे बिल बना दिया मतलब मैंने सरकार को बता दिया कि मेरा 10 लाख का माल आज यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, आज अगर देखोगे रस्ते में तो वैलिड है, कल देखोगे तो चोरी है, समझा। ईवे बिल पढ़ेंगे तब ईवे बिल के सवाल पूछना, ठीक है। ये ज्वेलरी वाला और आर्ट्स वाला मैंने समझा दिया आपको कि जब वो एक्स्ट्रा ज्वेलरी लेके जाता है अप्रूवल वाले केसेस में, कंप्लीट पूरा चैप्टर हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा पढ़ने और पढ़ाने को, सब पढ़ लिया अपन ने, डेबिट नोट क्रेडिट नोट वगैरह सब। रुक जाना, क्वेश्चंस करने बाकी है और अभी 15 मिनट भी बाकी है। 50 हो गए, 52 हो गए। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ, पढ़ लेते हैं खत्म करते हैं, छुट्टी है यार, कल कहाँ होगे तुम लोग। प्लीज रिक्वेस्ट, 3 ही तो इलस्ट्रेशन है, छोटे छोटे, ठीक है। इलस्ट्रेशन और पीछे के क्वेश्चन सब तुम करके आओगे। बाय टाटा सी, बंद कर दो।